हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मेरा भैया एंड भाभी का फोर्थ एनिवर्सरी है गाइस। सो मैं एंड मेरी बहन भैया एंड भाभी को सरप्राइज देने वाले हैं गाइस। उसके लिए पहले मुझे फ्लावर मार्केट जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे फ्लावर्स खरीदना है। एंड उसके लिए बहन नहीं जा रही है क्योंकि मम्मी को कुछ और सामान भी लेना था, तो मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं फ्लावर लेने के लिए गाइस। सो उसके बाद मैं और मेरी बहन केक के लिए जाएंगे एंड उसके बाद हम सरप्राइज देंगे, क्योंकि अभी भैया तो काम पे है, उनको कुछ पता भी नहीं है, आइडिया नहीं है, टोटली उनको कुछ आइडिया नहीं है गाइस। तो ये सरप्राइज हम देने वाले हैं। सो मैं चाहती हूँ कि हम कुछ भी छोटे छोटे चीज़ें वो करें, मैं चाहती हूँ कि आप सब मिल के देखें, बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर विद ऑल। इसलिए गाइज चलो उसके लिए अभी मैं जाती हूँ गाइज। और ये सब हम लोग खींच के रखने का मतलब है कि बाद में भैया भाभी के बेटा बेटी सबको दिखा सके, एज अ मेमोरी, क्योंकि हम मैं सब चीज़ को कलेक्ट करके। और एक्चुअली गाइस हमारा भैया का बेटी भी है, एक्चुअली बेटी है छोटी सी, आई लव हर, शी इज माय हार्ट। बट भैया और भाभी ने घर पे छोड़ के रखा है, घर पे गांव भेज दिया उसको, इधर नहीं आ गई। कोई बात नहीं, एक दिन फिर से मैं उसको वापस लेके आऊंगी गाइस, तो आप सब देखना था, ठीक है ना। सो गाइस इसके लिए अभी मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रही हूं गाइस, फिर मिलते हैं। सो गाइस अब हम फ्लावर मार्केट पहुंच चुके हैं गाइस, अब देखते हैं क्या क्या, मतलब कि क्या क्या लेंगे।
अभी मैं भाभी को फ़ोन करके बुला रही हूँ क्योंकि भाभी एंड भैया साथ में हैं। कोई बात नहीं, भाभी को पता चलेगा क्योंकि हमने ये भाभी एंड भैया दोनों को बिना बता के हमने ये सब किया है ना गाइस। तो कोई बात नहीं, भाभी को बता क्योंकि भाभी को तैयार करना है, सिलेंडर दिखाना है हमको। तो कोई बात नहीं, उनको फ़ोन करने वाली हूँ गाइस। भाभी को फोन करनी है हेलो हेलो भाभी काम जा बाजू ओ बाजू यहाँ सुन ना यहाँ सुन ना बाजू माथि एक कमरा में आऊ ना बाजू यहाँ त्यो है माथि अफिसमा है एकैछिन आउनु यहाँ काम छ ल भाउजू ओके ल भाउजू ल गाइस मैंने बुला दिया भाभी को क्योंकि मैं उनको मेकअप खड़ा करने वाली हूँ सो उनको तैयार करना है गाइस इसलिए फोन भी हो चुका है गाइस जो आप देखना भाभी आ रही है ओके गाइस भाभी आ चुकी है तो मैं भाभी को पहले तैयार करती हूँ फिर उसके बाद दिखाऊंगी। भाभी आपको सरप्राइज कैसा फील हो रहा है? आपको पता नहीं था ना कुछ भी? तो भाभी ठीक करने वाली है। भाभी थोड़ा चेहरा तो थोड़ा ऊपर करो ना, क्या है इतना? भाभी नहीं है, अच्छा नहीं लगता भाभी इतना सुंदर हो के। देखो मैं ज्यादा सो रही हूँ, मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो रहे हो, मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। हाँ तो काम तो मैं फोटो हाल तिमी दिए आऊ सर बड़ा।
घुम्छु तिमीसम्म है सेभेन भएर लिएर आउनु ल। अब भ्याउनु भएन, अब आउनु त होइन। ओके म आउनु, अब म फोटो हालिदिन्छु ल। अनि खोलिहाल दादा आउने बित्तिकै खोल। भैया मेरा भैया काम से, ओ ये क्या है, किसके लिए? भाभी के लिए। अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, देखो देखो छुपा रिश्ता हमने देख लिया, पता चल गया। भैया अभी अभी जॉब से आए, लेके आए। हाँ भाभी जाओ जाओ। तो भैया सरप्राइज कैसा लगा? मेरी भाभी। ओके सब सब विश कर दो हैप्पी एनिवर्सरी। चले चले केक काटते हैं भैया एंड भाभी। 4 साल हो गए भैया भाभी, भाभी हमारे घर आया हुआ 4 साल हो चुका है। वाओ मैंने वो पहले लाइफ नहीं। चलो विश मांग लो, क्या क्या मांगना है एंड कार्ड करना, फिर विश मांगना पहले। चलो नहीं मैंने नहीं देखा, फिर विश मांगने के बाद वो मोमबत्ती भी फूंक मार दो। क्या विश मांगना भाभी बता दो, आप लोग दो ही। मेरी भाभी कितना शर्माती है। हाउ रोमांटिक। ये भाभी और भैया का दिन है, हम लोग का ये फोटो भी खींचना है। चलो ये भाभी भैया लोग फोटो ले रहे हैं। भैया कैसा हुआ था, मतलब कि आई मीन थोड़ा बता दो भैया।
तो भाभी तो आप ही बता दो। नहीं मैं पूछना चाहती हूँ कि भैया और भाभी कैसे मिले थे वो बता दो थोड़ा। अच्छा ठीक है, फर्स्ट मीट ओके। वही एक्चुअली क्या अभी भैया और भाभी इतना नहीं खुल रहा है तो मैं थोड़ा बता दूं, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा पता है। भैया और मेरे भाभी का जो है, भैया मेरे भाभी का भाई और भैया का दीदी ने शादी किया था और रिश्तेदार थे, तो हम लोग नेपाली में बोलता है सोल्टा सोल्टीना होता है ना, वो थे भैया मेरा भैया और भाभी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो भैया और भाभी के रूम जिधर थे, मेरी भाभी भी जॉब करती थी, भैया भी जॉब करते थे, तो जब हॉलीडे होते थे उधर में मिलते थे, है ना भैया? मैंने राइट बोला ना? उसके बाद बता दीजिए और क्या हुआ। एक दूसरे जब देखते थे तो बात करते थे? नहीं, बताया मेरे भैया एंड भाभी कभी बात नहीं करते थे एक दूसरे से, ऐसे कि अनजान है, लेकिन रहते थे एक ही रूम पे, लेकिन अनजान की तरह रहते थे, है कि नहीं? भैया आप पहले क्या उस दिन बताया था वैसे बता दो। हाँ तो बता दे जल्दी। आपको बात करने का मन हुआ था भाभी को तो भैया क्या कर रहे थे? चाबी भूल के फिर ऊपर आ गई, उसके बाद उससे बात करने के लिए बांध देता था। ओह माय गॉड, मेरे भैया ने ऐसे चाबी रख दिया, फिर उस बाहर मतलब कि भाभी से बात करने के लिए बहाने ढूंढ रहे थे, तो क्या बहाना मिला कि एक चाबी की वजह से दोनों के बीच में बात स्टार्ट हो गई ना, तो इसका मतलब है कि चाबी के वजह से ही लव स्टोरी स्टार्ट भैया और भाभी में कौन किसने प्रपोज किया था? मैं। भैया हाँ ये सही हुआ, सही जवाब। प्यार कौन करता है ज्यादा? मैं। ओए भैया देखो, इसका मतलब भाभी ज्यादा प्यार करती है भैया से, पता चल गया देखो। करना काम कौन करता है? खाना कौन बनाता है ज्यादा? भैया। बेचारे मेरे भैया, भाभी मेरे भैया को बनाती हूँ लेकिन अच्छा मेरे से भैया बनाते हैं। ये तो सही है। यस एंड ज्यादा कौन गुस्सा करता रहता है बार बार? और किसको बार बार बनाना पड़ता है? तो जब आप गुस्सा होते तो भैया बनाते हैं, जब भैया गुस्सा होते तो अच्छा कौन सा जल्दी पूछ ले आज ये पूछ ले। सुबह कौन पहले उठता है? भैया। और ब्रेकफास्ट कौन बनाता है हर रोज? भैया। भाभी ऐसा पता चल रहा है आप लोग। हाँ, देखो क्या बात है, प्यार ज्यादा से नहीं होता है भाभी। और क्या पूछे पूछ ले क्या